देख के देख के बंदर है इधर बंदर। अरे मैडम बंदर है झगड़ा कर। भाइयों गुड मॉर्निंग। भाइयों आज हम आए हैं दिल्ली जू में घूमने के लिए और भाई बच्चे जिद कर रहे थे तो हम उन्हें घुमाने के लिए लाए। भाई जैसे हम यहाँ पहुंचे हैं तो हम देख रहे हैं हमारे पीछे स्कूल की बहुत ज्यादा भीड़ है। देखिए भाइयों कितने बच्चे आए हैं स्कूल के घूमने के लिए। तो भाइयों हम भी इन बच्चों के साथ घूमेंगे और इंजॉय करेंगे आज। तो बच्चों सभी गाइस को हेलो बोलो। तो बताओ जल्दी तुम कहाँ आए हो आज? क्या क्या देखना है आप लोगों को जू के अंदर? दीवानू शेर आप तो कहते हो मैं तो खुद शेर हूँ। मोर तो बेटा अपने घर पे भी आ जाते हैं मोर तो। क्या देखना है गोलू आपको? क्या देखना है? टाइगर। दीवानू कैसे करता है टाइगर? तो भाइयों देख सकते हैं बच्चे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं कैसे लाइन लग के जा रहे हैं। आप लोग इधर रहो हमारे साथ चलना। क्या भाई सब लोग टिकट बुक कर रहे हैं ऑनलाइन टिकट है। चलो भाई हम भी टिकट बुक करते हैं। देखना है भाई ये देख सकते हैं। अरे एक ब्लैक डक भी थी अभी नीचे चली गई देखो। ओ रे पानी में आपको छोड़ दूं यहीं पे मैं? आप चले जाओ इनके पास। और ये तो टटीरी ये तो गांव में भी होती थी यार। टटीरी टाई टाई टटीरी हाँ ये तो गांव में भी है। इनमें लेडीज वाले गुण है ये बहुत ज्यादा टैटा करती है। भाइयों हिरण के बच्चे हैं कितने सारे बच्चे हैं देख सकते हैं आप। विवानु क्या नाम है इसका? क्या नाम रखोगे? क्या जिमी? भैया विवानु ने इसका नाम जिमी रख दिया है। बुड्ढा सींग देख रहे हो कितने बड़े बड़े सींग हैं। अभी दिखाते हैं हम आपको भी। ये देखो है नी कितने बड़े बड़े सींग हैं इसके। सब एक साथ बैठे हैं। ओ भाई क्या दोनों की फाइट हो रही है देख रहा है? कोई से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। गाइस देखिए आप इन दोनों की बच्चों की आपस में फाइट हो चुकी है। ये तो तेजस और विमान की तरह झगड़ा कर रहे हैं। दोनों के दोनों झगड़ा करते करते कितनी दूर आ चुके हैं ये देखो। तेजस दोनों के कितना झगड़ा हो रहा है ना जैसे आप और विमान जैसे आप और वो देखो ना सामने वो दोनों झगड़ा कर रहे हैं जैसे आप और विमान करते हो। अरे बेटा वो देखो ना वो दोनों झगड़ा हाँ दिख गए ना कैसे दोनों के दोनों झगड़ा। इन दोनों का तो झगड़ा बंद ही नहीं हो रहा भाई। पता नहीं झगड़ा क्यों कर रहे हैं। ये आपकी और विमान की तरह है दोनों के दोनों ये देखो। अरे 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 जिनके सींग टूट गए तो कमाल है भाई। ओ भाई कितने सारे आ चुके हैं। ओ भाई एक ही आ गया है सारे आ गए इधर। ये दोनों के दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं देखो। भाई ये देख सकते हैं आप गौर ये तो एक तरीके से भैंस के टाइप का ही है जैसे बुल होते हैं भैंस होते हैं उस तरीके से ये लिखा हुआ है यहाँ पे गौर। गाय है ये इस पर लिखा है दुनिया की सबसे बड़ी गाय है हाँ उसी तरीके की है बिल्कुल सही बात। ये देखिए गीदड़ ये कुछ कुछ लोमड़ी टाइप ही होता है गीदड़ भी। ये गांवों में अक्सर मिल जाता है गन्ने के खेतों में। गाय देख सकते हैं आप हमारे बच्चों को कितनी आफत है सब ऊपर चढ़ चढ़ के देख रहे हैं। क्या देख रहे हो गेंडा? नीचे उतरो नीचे अंकल आ जाएंगे ना बहुत पिटाई करेंगे। भैया गुस्सा कर रहे हैं। नहीं नहीं भाई ऊपर मत चढ़ो भाई भी गुस्सा कर रहे हैं गार्ड भैया। और अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं गेंडा। गेंडा अक्सर पानी में लेटे रहते हैं भाई खा खा के गेंडा हो रहे हैं ओल्ड डायलॉग।
आपको भी देखना है गेंडा, लो आप भी देखिए गेंडा देखिए। भाई अभिमानु तो रेलिंग पे चढ़ कर देख रहा है, मान नहीं रहे हैं। इधर हिमालय का काला भालू, रीछ, गोरल, एशियाई सिंह, जगुआर बाघ, यार बाघ भी लिखा हुआ है तो इधर ही। बच्चों ज्यादा फास्ट नहीं, अब देखो इधर से निकलेगा ये, देखो देखो फिर चक्कर काट के आएगा ये, देख रहा है ना ये ऐसे बार बार चक्कर काट रहा है। कमाल है भाई, ये तो ऊपर ही चढ़ के बैठ गए, नहीं वो तो नीचे ही है अभी, बाकी तीन चार ऊपर भी बैठे हैं। गाइस देख सकते हैं आप ये हिरन किस प्रकार के हिरन है, ये माउंटेन टाइप के हिरन है जो माउंटेन पे होते हैं अक्सर, ये उस तरीके के हिरन होंगे। देख सकते हैं आप ये ऊपर ही चढ़ गए, कैसे बैठे हैं आराम से ऊपर। नहीं वो तो उधर खड़ा है, देख रहे हो ये पलट रहा है गेंडा, पूरा मजा ले रहा है ये देखिए ये एक हिरन और आ गया उधर से। ये भैया ये हिरन है भाई, गर्मी बहुत लग रही है पर यार गर्मी के मारे ना बुरा हाल हो चुका है, हम थोड़ा जल्दी आने की सोच रहे थे पिछले महीने पर, पिछले महीने किसी वजह से नहीं आ पाए जनवरी में, पर अब फरवरी में आए तो भाई बहुत गर्मी। मानू क्या देख रहे हो बेटा, क्या है छोटे छोटे चिड़िया देख, अरे हाँ यार देखो अनाज के ऊपर बैठ रही है चिड़िया, शायद आगे और भी होंगी क्या, हाँ जो हमारे घर पे थी वही है ये देखो कलरफुल वाली। और भाई आप देख सकते हैं तोता, क्या बहुत बड़ी, अरे यार रुको तो सही, तोते को तो देखने दो, देखो कितने सारे तोते हैं गाइस, फटाफट उधर चलो देखो कितने, एक ऊपर भी है, शीशे के रिफ्लेक्शन के वजह से इतना नजर नहीं आ रहा है। ये देख सकते हैं गाइस एक ये भी है, तो गाइस ये देख सकते हैं विमान, आपका विमान विमान क्या ड्रामेबाज है, देख सकते हैं विमान देखे रेलिंग तोड़ के जा चुका है विमान, गंदी बात है ना, अभी कोई गार्ड अंकल आ गए ना आपकी पिटाई करेंगे, विमानू बाहर निकलो, देखो कहां से निकल रहा है, देख रहा है, देख रहा है कहां से निकल रहा है ये गधा, हद है यार इनको भी यहीं छोड़ देना, ये अच्छा एक यहाँ पर बैठे हुए आराम भी कर लिए, और ये वाइट वाली घूम रही है, हेलो हेलो, भाई दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं, पीछे तेजस पीछे पागल हो क्या तुम, गोलू पीछे रहो, भाई आप देख सकते हैं मंकी कैसे माजा पी रहा है, बताओ यार कमाल है।
सही में मजा है भाई इसके अंदर। थोड़ा पीछे रहो, खा जाएगा। तीनों के तीनों भाई ऐसे भागे जा रहे हो। चलो भाई चलो, इसको गुस्सा भी आ सकता है, ज्यादा सही नहीं है। देख के बंदर है इधर, बंदर। अरे मैडम बंदर है। कब्बो पास नहीं जाना, दूर रहना है। बस बहुत है लोग, आ जाओ अब। कब्बो ज्यादा नहीं, कब्बो चलो आ जाओ। उसे गुस्सा आ रहा है। चलो हाँ ठीक है, दुआनु इसको बेटा पहनो और मगरमच्छ दिखाएंगे अभी गाइस को हम। आइए ये देखिए, देखो वो तो मुंह खोल के बैठा हुआ है गाइस। एक मगरमच्छ तो अपना मुंह खोल के लेटा हुआ है आराम से। दुआनु इसको भूख लग रही होगी मगरमच्छ को, जैसे आज हमने भी कुछ नहीं खाया, हमें भी भूख लग रही है। आपको मगरमच्छ दिखाते हैं गाइस, देखिए। कब्बो कब्बो क्या है, कब्बो क्या है, विवानु कैसे कर रहा है ना, शायद जंगली सुअर है भाइयों। एक ऐसा कार्टून आता था, प्योन एंड पुमा टुम्मा पता नहीं कौन सा, ये वही वाले लग रहे हैं मुझे। ओए अकुमा मटाटा कौन सा कार्टून था वो, ये आप देख सकते हैं एलिफेंट। क्या हुआ क्या हुआ, हाँ डांस कर रहे हैं हाथी, तो आप लोग भी डांस कर लो। ओ भाइयो कैसा लगा बच्चों, कैसा लग रहा है आप लोगों को चिड़ियाघर आके, जल्दी बताओ। अच्छा हेलो, बस अब आप लोगों को बाघ देखना शेर देखना बाकी है, हाथी भी मिल गया ना देखने के लिए। हेलो ओ बेटे, इसकी चोच तो बहुत बड़ी है दीवानु, चोच बहुत बड़ी है ना इसकी, है ना। क्या बात है बेटा, ये बड़ा ही है, बड़ा हुआ नहीं है, ये बड़ा ही पंछी है। कैसे देख रहा है इधर उधर, कैसे तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे दो दो आती हैं। नीचे नीचे उतरो भाई, बच्चे पूरी शैतानी कर रहे हैं, बच्चे पूरा मजा ले रहे हैं। यहाँ तो गर्मी में भाई बुरा हाल हो गया है, और हम पानी की बोतल भी वहाँ भूल गए अपनी गाड़ी में, और यहाँ मैंने पूरे उसमें देख लिया चिड़ियाघर में कैंटीन तक भी नहीं है, पानी की सुविधा तो है लेकिन पानी भी पीने लायक नहीं है। तो भाई प्यास के बाद में भी बुरा हाल हो रहा है, हम जल्दी निकलेंगे यहाँ से। हम तो सोच रहे थे अंदर कैंटीन वैंटीन होगी, कुछ खा लेंगे पी लेंगे, लेकिन भाई कभी भी आप चिड़ियाघर देखना हो तो अपने घर से खा पी के चलो, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कैंटीन वैंटीन कुछ भी नहीं है। तो भाई अपने घर से पानी की बोतल और खा के चलो। अब आप देखिए हमारे पीछे हाथी, हम आपको दिखाते हैं दो दो हाथी हैं, एक इसके पीछे है बिल्कुल। बेटा दो हाथी हैं, एशियाटिक लोयन, ए वो भी सो रहा है। नीचे रहो, नीचे रहो, गुस्सा कर रहे हैं ना, ज्यादा बातें मत मनाओ आपस में, आंटी बहुत गुस्सा करेंगे। देखो गार्ड गुस्सा कर रहे हैं, बच्चे योजना बना रहे हैं कि हम कैसे देखें। आओ आओ चलो इधर आओ, बाहर निकलो, बहुत देख लिया, चलो। मादा दाढ़ी नहीं है ना, हाँ सही बात है, दाढ़ी नहीं है, मादा होगी, बिना दाढ़ी वाली मादा होती है। चलो अभी क्या कर रहे हैं, चलो देखो देखो लड़ रही हैं, देखो गार्ड जाओ जल्दी से इसे पकड़ो, विमान को हिरन वाइट हिरन, विवानु वाइट हिरन है ना, देखो एक वो डोला, वो इनका बच्चा है, वो इनका बच्चा है।
इनका बच्चा है, ये रहा। ये रो रहा है। तो भाई देख सकते हैं तेंदुआ, भाई यही तेंदुआ है जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी कोर्ट में आते समय। ये नहीं है वो, हाँ है दूसरा, लेकिन पड़ जाती तो यही थी। अरे ये क्या, वही थोड़ी ना है, मतलब पर जाती तो सीधे कैसे बैठा है मजे से। जैसे जैसे हमारे फिंगरप्रिंट अलग होते हैं ना, ऐसे इसके धब्बे अलग होते हैं। ये कहीं से भी लटक कर निकल जाए। बच्चों आ गया मजा अब तो शेर ही। बहुत मन कर रहा था ना पापा, कैसा कोर्ट में कैसा शेर आया था, कैसा शेर आया था देख लो, इस तरीके का ही था वो तेंदुआ। चलो देखो गार्ड अंकल गुस्सा कर रहे हैं, चलो नीचे उतरो, गार्ड अंकल गुस्सा कर रहे हैं, चलो ये देखो क्रैक है, गिर टूट जाओ, चलो चलो जल्दी जल्दी, चलो सॉरी बोलो, सॉरी बोलो। इसको बहुत सारे कांटे से रहते हैं भाइयों, क्या कहते हैं इसको, सी, अच्छा सी कहते हैं, शाही 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 पता नहीं क्या शाही। देखो ये तो आराम कर रही है भाई, तो भाई ये बंगाली टाइगर देख सकते हैं, ये आया असली मजा मजे। देखिए एक ये है और एक वो है भाइयों, बंगाल टाइगर, दो दो बंगाल टाइगर। ये शायद जोड़ा है, वो तो वो चला गया, कौन है वो, चल भाई। एक उधर है पेड़ के उधर उस साइड में, पेड़ के पीछे चला गया, देख सकते हैं गाइस। ये देखिए गाइस निकल के आया है बाहर, एक वो है और एक ये है, दो दो बंगाल टाइगर है भाई, क्या बात है। ये भारी का तो कोई नहीं आ रहा है, ये गाइस वाइट टाइगर है, वाइट टाइगर सिंगल ही है, दूसरे को रखेंगे काटेंगे नहीं, वहाँ दो दो थे उसमें। आराम से बच्चों, तो गाइस देख सकते हैं आप, ये है शुतुरमुर्ग, देख रहा है इसकी गर्दन कितनी लंबी है तेजस, और एक इधर बैठा है नहीं बुड्ढा, देखो एक उधर बैठा है और एक ये रहा, गर्दन इसकी कितनी लंबी है, क्या बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कक्कड़, हिरन, चीतल, नील गाय, सांबर, सांबर हिरन, सांबर तैयार खाने का होता है, ये सांबर हिरन भी है, और ये सभी कई तरह की गायें हैं, नील गाय, हिरन, सांबर हिरन, चीतल, कक्कड़ हिरन, जो इन्होंने मिक्स करके इसी में छोड़ दिया है सबको। चल चला दी, तो गाइस बुरा हाल हो गया भाई, घूम घूम के यार गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ, प्यास भी इतनी लग रही थी, हम तो अपनी पानी की बोतल गाड़ी में भूल गए और सोचा चलो अंदर कैंटीन होगी, कैंटीन से लेंगे, लेकिन भाई यहाँ एक भी कैंटीन नहीं है, वो गिला हाल है गर्मी का हमारा, पूछो मत, प्यास लग रही थी, अब यहाँ के एक जगह पानी मिला है, थोड़ा सा पानी पीते हैं और फिर बस चिड़ियाघर से बाहर निकलते हैं, कहीं कुछ खाएंगे पियेंगे, पहले तो चिड़ियाघर घूमना होगा, काफ़ी मस्ती भी होगी, बच्चों का भी हाल बुरा है, देख लो गोलू का क्या है, ब्लैक कलर के कपड़े भी धूल मिट्टी में वाइट कर रखे हैं इस गधे ने, आपको भी पानी पीना है, चलो। तो गाइस आप देख सकते हैं बाहर जाने का रास्ता, तो भाई अब तो हम बाहर निकलेंगे, खैर एंट्री का रास्ता भी यही है, बाहर जाने का और एंट्री दोनों का रास्ता है, इधर से लोग भाग आ रहे हैं, इधर से लोग भाग जा रहे हैं, बस इतना अंतर है।
तो गाइस आप देख सकते हैं भैया दिल्ली जू कैंटीन भी बंद है। तो भाइयों जैसा कि आप देख रहे हैं कैंटीन तो बंद है और हमारी किस्मत ही ख़राब है। अब हम क्या करेंगे, कहीं और चलते हैं कुछ, या तो कहीं घूमेंगे या किसी और कैंटीन में चलेंगे, वहाँ पर कुछ खाएंगे। लग रही है क्या बच्चों, भूख लग रही है क्या? चल भाई चल, कुछ और नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से मिले। तो गाइस बड़ी मुश्किल से हमें कुछ ज़्यादा मिला नहीं, बस ये छोले और कुलचे। दो ही प्लेट है वो, दो ही प्लेट लेकर मैं, ज़्यादा लेकर नहीं, कौन खाएगा, ब्रेड है भाई, ज़्यादा सही नहीं है। एक मैं खा लूँगा, एक बच्चे खा लेंगे, एक तुम खा लेंगे। हैं आपको भी खाना है? चलो गाड़ी में बैठ के खाते हैं। कब खाना है आपको भी? कब खाना है भैया? बच्चों को भी? अच्छा तो भाई ये बच्चों को भी भूख लग रही है, तो थोड़ा सा छोले कुलचे खाते हैं हम, और छोले कुलचे खा के फिर निकलते हैं हम घूमने के लिए। अभी घूमोगे या सीधे घर चलोगे? घूमेंगे भैया, बच्चे नहीं थकते, हम तो थक गए। तो आओ गाड़ी में बैठ के छोले कुलचे खाते हैं। तो भाई बड़ी ज़ोर से भूख लग रही थी, थोड़े से कुलचे और छोले खा लेते हैं। गुंडा आपको भी खाने हैं? लो ठीक है भैया, नाराज रहे हो नहीं खाना, तो दीवानों आपको खाने हैं, लो। तो गाइस फिलहाल हम कोल्ड ड्रिंक लाए हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक पी रहे, बहुत प्यास लग रही थी, और भैया गुंडा को तो वैसे भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, इसने कुछ खाना तो है नहीं, कोल्ड ड्रिंक दे दो इसे, चिप्स दे दो, अभी चिप्स खा के बैठा है मजे से। भैया खाया मैंने, बहुत कुछ खाया अभी। क्या खाया भाई? छोले कुलचे। छोले कुलचे नहीं खाए? झूठ मत बोलो, छोले कुलचे आपने खाए नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने पे ध्यान देना इसे। तो गाइस फिलहाल हम घर तो आ चुके हैं, तो घर के पास में एक नर्सरी है, हम उस नर्सरी से सोच रहे हैं कुछ पौधे ले लें। क्या क्या लेना है राजू? ये कितने का है? हम गांव के ही हैं, हम गांव के ही हैं, कोई बाहर के ना है, ऐसे बिल्डिंग वाले ना, तुम हमें इतने महंगे महंगे बता रहे हो भैया। कुछ गमले ले लेते हैं और दो तीन पौधे ले लेते हैं, गमले रखे भी हैं घर पे, उनमें हम लगा लेंगे, आजकल फूल वाले ज़्यादा चल रहे हैं। ये देखो भाई, ये तो ये सही लग रहा है, पर ये सही है। फूल वाले भी, कौन सा अच्छा लग रहा है? और गमला ले लूं? ये चारों ठीक है। फिर मैं तो आके सो गया था, थोड़ा सा थक गया था, एक कप चाय पी, और अभी फिलहाल मैं अपने ताऊजी के घर पे आया हूँ, और ताऊजी के घर पे आके देखे आप, ये लड्डू है भाई, ये और भाई ये प्रिंस मेरे को लड्डू लाया है, ये खाने का लड्डू है, वो अलग लड्डू है। तो भाई थैंक यू प्रिंस, वैसे किस खुशी में भाई? मेरा रिश्ता पक्का हो गया, प्रिंस का रिश्ता पक्का हो गया है, बस ये ख्याली लड्डू है इसके मन का, ये ओरिजिनल लड्डू है, तो भाई हम लड्डू खा लेते हैं। आज हम चिड़ियाघर में घूमे थे तो भाई मैं काफ़ी थक गया था, खैर दिन में मैंने रेस्ट कर लिया, आके शाम को थोड़ी देर सो गया था, लेकिन भाई अब वीडियो एडिट कर रहा हूँ मैं पिछले आधे घंटे से, भाई वीडियो एडिट करके मैं फिर दोबारा जल्दी सोऊंगा आज, और भाइयों आपको अपने हर ब्लॉग में कुछ नई चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो भाई मिलेंगे फिर आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए भाइयों राम राम।